नमस्कार फ्रेंड, आज मैं गुलाब की बात करूंगी। देखिए, मेरा ये देसी गुलाब था, गुलाब है, उसमें बहुत ही फ्लावर खिले थे। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, पर उसकी अब पत्तियाँ थोड़ी मुड़ने लगी है, तो मैं इसे काट दूंगी यहाँ से। और ये मेरा वाइट कलर का गुलाब है, देखिए ये पूरा खिला नहीं है। और इसमें फ्रेंड बहुत ही बड़ा फ्लावर खिलता है, तो फ्लावर खिलता है तो अच्छे से बहुत ही बड़ा बड़ा खिलता है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ फ्रेंड, इसमें खाद देती हूँ ठीक से, और इसकी प्रूनिंग अच्छे से करनी चाहिए। फ्रेंड देखिए, ये यहाँ तक लंबा लंबा हो गया, इसके प्रूनिंग मैंने नहीं की थी इस साल, तो मैं अब यहाँ से कर रही हूँ। अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो मैं सब में गुलाब में मैं निकाल रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि लंबा लंबा हो गया है। फ्लावर तो आता है फ्रेंड, इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं, पर पत्तियाँ उसकी ख़राब होने लगी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी प्रूनिंग कर लूँ और फिर खाद दे दूँगी, अच्छे से ग्रोथ करेगा। बहुत अच्छे फ्लावर है इसमें, आते हैं बड़े बड़े, पर अब देखिए इसमें कुछ रोग लग गया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँ अच्छे से और खाद दे दूँगी। ये सब में ऐसा हो रहा है फ्रेंड, पत्ते मुड़ रहे हैं, तो ऊपर से मैं निकाल दूँगी, थोड़े थोड़ा कटिंग कर लूँगी ताकि वहाँ से नई फूटान निकले और बहुत सारे फ्लावर भी आए। फ्रेंड जितनी प्रूनिंग करेंगे इतना ही फ्लावर ज़्यादा आता है, नई सूट निकलती है। तो ये मेरा देसी रोज है, अभी कलियाँ भी बनी हुई है देखिए इसमें। अभी इसका सीजन भी है, सीजन है तो प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, अक्टूबर में करना चाहिए प्रूनिंग, पर मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था फ्रेंड। मैंने आपके साथ शेयर किया था वो जो मेरा ग्राउंड फ्लोर का फ्लावर रोज का पौधा है, उसका मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, तो बहुत ही अच्छे से फ्लावर आए थे। देखिए ये तो खिला भी नहीं है, बहुत ही बड़े फ्लावर आते हैं इसमें, अभी खिलेगा ये, बहुत ही बड़ा फ्लावर आता है। और इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है फ्रेंड, फिर भी मैंने ये काट दिया है क्योंकि इसमें पत्ते ख़राब होने लगे थे। तो जितनी बड़ी बड़ी टहनियाँ हो गई है वो सब मैं गुलाब से निकाल दूँगी। ये देसी गुलाब है फिर मेरा, तो मैं नीचे से बहुत पतली है उसे मैं निकाल दे रही हूँ ताकि वहाँ से अच्छी सी सूट निकले। ये हमारा कटर है फ्रेंड, बहुत एकदम अच्छे से साफ करना चाहिए, नहीं तो गुलाब में फंगस लग जाती है तुरंत, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये देसी कटिंग है जो निकाला है मैंने कटिंग, वो मैं फिर से लगा दूंगी। तो बहुत सारे फ्रेंड गुलाब में जब भी कटिंग करें नोड एरिया से नीचे ही करें, नोड एरिया को छोड़ के, देखे यहाँ है ना, तो मैं यहाँ से कट करूँगी क्योंकि यहाँ नोड एरिया है, तो यहाँ नई नई सूट निकलेगी। ये मेरा देसी है गुलाब, मेरे पास देसी ज़्यादा है फ्रेंड। इसमें पतली पतली जो टेनियाँ होती है ना उसे निकाल दीजिए, नहीं तो पौधे को आगे जाके वो अच्छा ग्रोथ नहीं करने देती। तो आप ऐसे ही करें फ्रेंड, सीजन नहीं है पर मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें कलियाँ कम आ रही थी इसलिए। सॉरी फ्रेंड, तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रून करने के बाद कितनी अच्छी कलियाँ आती है। देखिए जैसे देसी में तो बहुत सारे फ्लावर आते हैं फ्रेंड,
ऐसी पतली कलिया टेनिया हो ना तो उसे निकाल दीजिए, इसमें कलिया हो तो भी निकाल दीजिए फ्रेंड। इसमें तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक साथ 14 फ्लावर आए थे, देखिए इसमें अब छोटी सी है, एक कटिंग किया था मैंने यहाँ से तो इसमें टेनी निकली है, तो 4 इसमें आए हैं, एक यहाँ भी निकला है। तो फ्रेंड ऐसे निकलते रहते हैं, हम कटिंग करते हैं ज़्यादा तभी पौधा हमारा बुशी होता है, और जब ज़्यादा ब्रांचेस निकलती है तो ज़्यादा फ्लावर भी आते हैं। इसमें कटिंग करने के बाद फ्रेंड जहाँ कटिंग किया है वहाँ आप हल्दी लगा दीजिए या साफ पाउडर लगा दीजिए ताकि गुलाब में फंगस ना लगे, गुलाब में तुरंत फंगस लग जाता है फ्रेंड, ये आप ख्याल रखें ज़रूर। तो जल्दी आप जो जब भी आपने कट किया हो, प्रून किया हो, तभी आप इसमें हल्दी लगाइए या तो साफ पाउडर लगा दीजिए, तुरंत लग जाएगा गीला होगा तो। और कोई सूखी टेनिया हो वो भी आप निकाल दीजिए फ्रेंड, देखिए यहाँ से ये सूख रही है तो मैं यहाँ से निकाल दूँगी। हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए मैंने ये देसी में तो हार्ड प्रूनिंग ही किया है तो अच्छे से ग्रोथ करेगा, जहाँ से फूल बनकर जड़ गया है उसे भी अच्छे से निकाल दीजिए, दो दो इंच एक इंच का नीचे से निकालिए जहाँ गुलाब खिला होता है ना वहीं से, तो फिर से अच्छे से गुलाब आएगी, कलियाँ भर भर के आएगी, वो बड़े गुलाब आएंगे फिर। तो आप यही काम करिए, मैं अब यही कर रही हूँ, अभी मैं खाद भी दे दूँगी, खाद में फिर मैं वर्मी कंपोस्ट और नीम खली साफ पाउडर बोन मिल ये सब डालूँगी, आपके पास जो भी खाद हो दे दीजिए, किचन वेस्ट का खाद हो तो भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड जहाँ पर मैंने कटिंग लगाया है, जहाँ से कट किया है वहाँ मैं साफ पाउडर लगा दूँगी, ये साफ पाउडर है, अच्छे से वहाँ लगा दीजिए ताकि वहाँ फंगस ना लगे और हमारा गुलाब बचा रहे। जहाँ जहाँ आपने कट किया है वहीं पर लगा दीजिए, देखिए मैं सब जगह लगा रही हूँ। जहाँ लगा जहाँ से कट किया है वहाँ गीला है थोड़ा, तो आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, साफ पाउडर ऐसे ही लग जाएगा, देखिए सब जगह लग गया है। तो फ्रेंड अच्छी ग्रोथ करेगा आपका गुलाब और बहुत ही अच्छी सूट निकालेगा, वहाँ से नई सूट निकलेगी तो फ्लावर भी बहुत ही अच्छे आएंगे। ये ज़रूर करिए फ्रेंड, हल्दी वो हल्दी तो होती है सबके घर में, हल्दी भी लगा सकते हैं, मैं साफ पाउडर लगा रही हूँ, मेरे पास साफ पाउडर है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा आपका गुलाब का पौधा और बहुत ही अच्छे फ्लावर आएंगे, कोई रोग भी नहीं लगेगा, सब में मैंने लगा दिया है। और अब फ्रेंड इसमें मैं खाद दूंगी, अच्छे से खाद दे दूंगी, तो फ्रेंड मैंने इसमें लिया है देखिए, ये है नीम खली, 2 मुट्ठी ली है, 1 मुट्ठी मैंने राख लिया है, राख से फॉस्फरस जिंक उसे सब मिल जाता है फ्रेंड, और ये है बोन मिल 2 चम्मच लिया है, उससे भी बहुत कैल्शियम सब मिल जाता है, और एक केले का छिलका है, इसमें से पोटास मिलता है फ्रेंड, जो पौधों के लिए पत्तियों के लिए फ्लावर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। एक केले को मैंने सूखा कर पाउडर बना लिया था, ये साफ पाउडर है, ये चिट्टियों का पाउडर है, और ये वर्मी कंपोस्ट एक ये दबा लिया है, और ये मेरा किचन वेस्ट का है वो लिया है, मैं सब इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स करके फिर सब में गुलाब में दे दूँगी फ्रेंड।
तो अच्छे से मिक्स होने के बाद ही आपको देना है। बहुत अच्छे से आप मिला लीजिए। फिर जो केले का छिलका है हमारे गुलाब के लिए तो वरदान है, उसमें फॉस्फोरस जिंक सब मिलता है, पोटास। और ये चींटियों का पाउडर भी मैं सब में डालती हूँ, क्योंकि चींटियाँ हमारे गार्डन में आ ही जाती है तो मैं सब में डालती हूँ ये। और ये वर्मी कंपोस्ट है, ये भी मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड आपके पास जो काउडंग हो तो पुराना तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये दोनों हैं तो मैं यही डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड। फिर एक एक मुट्ठी गमलों के अनुसार दे दीजिए, दो मुट्ठी, एक मुट्ठी, जितना गमला हो आपका बड़ा, थोड़ी गुड़ाई करके दे दीजिए तो अच्छे से ग्रोथ करेगा आपका गुलाब।